बेहद खूबसूरत। आज वो फिर आ गया। ये तो वही अपराधी है ना? इसको हमने कई बार पकड़ा, हर बार छूट जाता है। ये तो है। जानती हैं किसका क्लाइंट है ये? हाँ, जानती हूँ। अरे ललित भंडारी एडवोकेट है, उसका क्लाइंट है ये। अरे 50 से ऊपर केस है इस पर। सुना है चेन्नई का है या केरल का है? लुइस एंटोनी नाम है इसका। अरे इसने कई खतरनाक अपराध किए हैं, लूट, डकैती, रेप, मर्डर, ना जाने कितने। इसके खिलाफ कोई गवाह गवाही देने भी नहीं आता और ना ही अपने पीछे कोई सबूत छोड़ता है। और आज भी ये छूट जाएगा, देख लेना। बाकी गवाहों के बयान अंदाजे से हैं, पर विक्टिम की बीवी आई विटनेस है। वो कुछ बोलेगी नहीं सर, कुछ भी नहीं। तो फिर हम जीत जाएंगे। चलो।
राजेश तिवारी सुपुत्र मनोहर तिवारी उम्र 35 साल की हत्या के केस में प्रोसिक्यूशन द्वारा पेश किए गए सभी सबूतों और बयानों से मुलजिम पर लगाया गया हत्या का आरोप साबित नहीं होता, इसलिए ये अदालत मुलजिम लुइस एंटोनी को बाइज्जत बरी करती है। द कोर्ट इज एडजर्न। Martial arts gang makes life difficult for the police. Apart from the murder of a youth in the city, this martial arts gang and its members are suspects in a number of criminal cases registered. And he is their leader, Lewis Antony, age 33 years, born 1985, Kannur, Kerala. In 1989, when he was 4 years, he moved to Delhi. At the age of 17, he was expelled from school for drug abuse and spent some time in juvenile for the attempted murder of his classmate. From 2002 till date, he has been involved in criminal activities. The modus operandi of his gang is to trespass homes and terrorize people by violence. And he also has more than 50 registered cases against him. Hostile witnesses are the only reason why he still hasn't been convicted. He is presently active in Uttarakhand and is carrying out fresh recruitments of trained martial artists. मुझे इसकी अपडेटेड हिस्ट्री शीट चाहिए और इसके मार्शल आर्ट्स गैंग मेंबर्स की भी। कॉन्टैक्ट ऑल द मार्शल आर्ट स्कूल्स इन आवर एरिया एंड गेट मी योर सोर्स। सर, मैं एक आदमी को जानता हूँ, वो मार्शल आर्ट एसोसिएशन का एक्टिव मेंबर है और वो केरल से ही है, उसे बुला सकते हैं। कॉलिन, हु इज इट? वो कंग फू मास्टर है। रेतो दीदी। हाँ वर्गीज, बताओ क्या पूछना है तुम्हें? इस वीडियो में मुझे पता है कि आप और आपके भाई ऋषि अंकल किस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो बताओ ना क्या है वर्गीज? विंग चुन कुंग फू। एकदम सही। स्मार्ट मैन? स्मार्ट मैन नहीं, स्मार्ट बॉय। ओह सॉरी। ओहो, स्मार्ट बॉय? हाँ, कैसे शो ऑफ कर रहा है वर्गीज। तुम्हें कैसे पता ये विंग चुन कुंग फू है? नाम तो वीडियो के नीचे लिखा है। बिल्कुल नहीं, मैंने टीवी पर एक इपमैन की मूवी में देखा है। वेरी गुड, लेकिन ये इपमैन कौन है? डोनी एन। अरे बुद्धू, डोनी एक्टर है, इपमैन का नाम नहीं है। ए रोहन, वर्गीज को बुद्धू मत बोलो। रोहन हमेशा ऐसे ही करती है, उसे लगता है कि वो ओवर स्मार्ट है। अच्छा रोहन, ये बताओ कि इपमैन कौन है? हाँ, बताओ। इपमैन ब्रूसली के टीचर है। हाँ रोहन, सही कहा। ऋतु आओ दीदी। किस बारे में बात हो रही है? चलो बच्चों, दीदी को तैयार भी होना है, बिस्तर से उठो। कोई बात नहीं, मजा आ रहा है। तुम्हारी सारी पैकिंग हो गई? हाँ हो गई दीदी, 3 घंटे का सफर है, अब निकलती हूँ मैं। चलती हूँ मास्टर। सब ठीक से रख लिया? हाँ रख लिया। ओके, यहाँ तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा मास्टर। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, बिल्कुल घर जैसा ही था। ये तुम्हारा ही घर है। ऋषि को मेरा हाय बोलना। बोल दूंगी। तुम संडे शाम तक आ जाओगी ना ऋतु? सोमवार को छुट्टी है, इसलिए सब घूमने का प्लान बना रहे हैं। हो सकता है सोमवार शाम। अच्छा, तो मैं शाम को फोन। राजू। हाँ आचार्य जी। ऋतु को बस स्टैंड छोड़ कर आओ। हाँ ठीक है। राजू तुम्हें बस स्टैंड। हाँ दीदी चलिए। अपना ख्याल रखना, बाय। मैं 6 महीने पहले ही आया हूँ, घर पे मेरा एक बिजनेस था लेकिन वो चला नहीं।
कुछ काम था नहीं, इसीलिए मैंने ललन आचार्य जी को काम के लिए फोन किया। आचार्य जी ने मुझे आने के लिए बोला और मैं झट से यहाँ आ गया। रितु दीदी, आपको यहाँ से ऋषिकेश के लिए सीधी बस मिल जाएगी? नहीं, मुझे देहरादून से बस बदलनी पड़ेगी। बस जाने ही वाली है, क्या मैं रुकूं? नहीं, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू। हाँ जी भैया, एक देहरादून। एक देहरादून, ये लीजिए। थैंक यू। कब से खड़े हैं? तो क्या हुआ, आपने बोला था वो 5 मिनट में पहुंच जाएगी। परेशान मत हो, वो आ ही रही होगी। मैं परेशान नहीं हूँ, परेशान तो आप लग रहे हो। बदमाश कहीं का। हेलो। हेलो, हाँ मैं पहुंच गई। हम स्टैंड की बाईं तरफ खड़े हैं, प्राइवेट व्हीकल पार्किंग एरिया में। हम दिखाई दिए? ओके ओके ओके, देख लिया। मैं ड्राइव करूं? तुम ड्राइव करोगे? हाँ। ये लो, चल बदमाश। मैं वहाँ नहीं बैठूंगा। कैसी है और आप कैसी हैं? तुम बताओ कैसी हो? नमस्ते पापा। सफर कैसा रहा बेटा? 3 घंटे का सफर था लेकिन ठीक रहा। देखो आपको कितना खुश है। वहाँ तुम्हारा रहना और काम कैसा चल रहा है बेटा? सब ठीक है पापा। वैसे हमें चिंता बिल्कुल नहीं थी क्योंकि हमें पता था कि तुम ललन के घर पर रहने। आपने मुझे मिस किया पापा। तुम तो काफी समझदार हो। ऐसा कुछ नहीं है, पर मुझे भी एक बहन चाहिए। ओ, बहन चाहिए? क्योंकि तुम्हारा दोस्त अजीत अपने भाई के साथ लड़ता है। हा? समझ गया मैं। हाँ बिल्कुल। ये क्या कह रहा है पापा? इसे एक बहन चाहिए। ऐसा है क्या? मेरी माँ की भी एक बहन है तो मुझे भी एक बहन चाहिए। अच्छा, तो तुमने पहले ही सोच लिया कि बहन ही होगी? हाँ मुझे पता है। नहीं मास्टर, मैं अगले 2 दिन के लिए फ्री नहीं हूँ, फैमिली के साथ घूमने जा रहा हूँ। ठीक है, फोन करता हूँ। अच्छा पापा, हमारा कल का क्या प्लान है? हम पहले बद्रीनाथ जाएंगे, वहाँ तुम्हारी माँ के लिए पूजा अर्चना। हाँ। करेंगे। बाकी तुम लोग सोच लो तुम्हें क्या करना है। चिंता मत करो, पहले डिनर कर लो और सब जल्दी से सो जा। हम सुबह ठीक 5 बजे निकलेंगे, तब तक सब तैयार हो जाना। ठीक है। ओए अप्पू, उठ जाएगा ना? बजे तेरे पाशुड़े मोइनुड़ दे शुणे रे। चल हम चले जहां हमें ले चले ये समां, ख्वाबों के पंख से झूले हम आसमां। लहरों से
सतरंगी इस धुन से रंग है चुने मौसम ने जैसे फूल भी है या है सपना तू मुझको कह दे सच है या सपना चल हम चले जहां हमें ले चले ये समा ख्वाबों के पंख से झूले हम आसमां का दूसरा सबसे ऊंचा और सबसे लंबा रोपवे है और चोटी तक ऐसे 10 टावर हैं और ये इलाका दिसंबर जनवरी में पूरी तरह से बर्फ से ढक जाएगा। बहुत खूबसूरत नजारा है। जब बर्फ पड़ेगी तो दोबारा आएंगे। लहरों से बनकर हम साहिल को छू जाएं और हवा से भी कुछ ज़्यादा मत देख, हैंडसम लग रहा है। पहली बार लड़के देखने जा रहा है ना? हाँ, आप तो जानते हैं कि ऐसे में कैसा महसूस होता है। आप इस झमेले में फंसा रहे हैं मुझे। हरीश कहाँ पहुँचे? हाँ ऋषि, अभी जंक्शन क्रॉस किया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यहाँ से लेफ्ट जाना है कि राइट। लेफ्ट। अच्छा लेफ्ट ले लिया है, अब ठीक है ना? हाँ। चल ठीक है। हाँ हाँ, बाकी का रास्ता मुझे याद है। ओके
थोड़ी देर में तेरे पास पहुंच जाऊंगा, ठीक है ना? ठीक है, मिलते हैं फिर। हाँ हेलो। कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। वेलकम, ये नवीन है। हाँ बेटा स्वागत। हाय, वेलकम। अरे अप्पू कैसे हो? पहली बार आए इसलिए थोड़ी परेशानी हो। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं हुई, सब ठीक था। जी हाँ। यहाँ का मौसम अच्छा लग रहा ना बेटा? जी जी। और तुम्हारा कामकाज कैसा चल रहा है हरीश? अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा। गांव जाना होता है ना? मेरा वहाँ भी एक ऑफिस है तो आना जाना लगा रहता है। थैंक यू। थैंक यू। यू वेलकम। शक्कर कितनी डाली है बेटा? बस थोड़ी सी। तुम्हारा नया जॉब कैसा चल रहा है? ठीक है, न्यू एक्सपीरियंस है। ओह वेरी नाइस। घर में दोनों कैसे हैं? दोनों ठीक हैं, और बच्चे तो स्कूल जाते हैं। ओके। और ये नवीन मेरे कजन। हाय। हाय। ऋषि ने मुझे बताया था कि वो तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ रहा है, तभी मुझे इसका ख्याल आया। अब ये मत सोचना कि ये मेरा कजन है। तुम दोनों एक दूसरे को जानने के लिए आपस में बात कर लो, अगर ठीक लगता है तो आगे बढ़ेंगे, है ना? दोनों आपस में बात कर ले तो अच्छा रहेगा। ठीक है, मिल लेता हूँ। हरीश अंकल तो अक्सर आपकी और ऋषि भैया की तारीफ करते रहते हैं। ओ, हम उन्हें काफी समय से जानते हैं, भैया से उनके अच्छे रिश्ते हैं। हरीश अंकल ने जब मुझे बताया कि आप लोग रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम लोग ही आगे से पहल कर दें, जबकि मेरे माता पिता ने पहले भी मुझे लड़की देखने के लिए जोर डाला था लेकिन मैंने मना कर दिया। तो ऐसी बात है, मुझे ये रिश्ता इंटरेस्टिंग लगा इसलिए मैं यहाँ आ गया। मैंने 3 दिन पहले ही जॉब ज्वाइन किया है, DIT यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। मैंने काम अभी अभी शुरू किया है इसीलिए शादी के बारे में अब तक सोचा नहीं है, 1 साल के बाद ही कुछ सोचूंगी। बिल्कुल, क्यों नहीं? उन्होंने मुझे कुछ बताया भी नहीं और आपको बुला लिया। देखो मुझे भी जवाब की कोई जल्दी नहीं है तो मैं भी प्रैक्टिकली सोचकर फैसला लेना चाहिए। ये लड़का नवीन तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी। रितु ने क्या कहा? उसने तो कुछ नहीं कहा पर लगता है उसे वो पसंद आ गया। देखते हैं। देखो वो रही बस। ओके। पहुंचकर कॉल करना। ओके चलती हूँ। बाय बाय। हाँ तो रितु, हाँ। तुम्हारी फैमिली ट्रिप कैसी थी? अच्छी थी मास्टर, अम्मा की बरसी थी, हम बद्रीनाथ पूजा करने गए थे, वो सबसे जरूरी था, मजा आ गया। लड़के से मीटिंग कैसी रही? अरे वो भी ना। मैं घर पहुंची तब पता चला मुझे। मैंने सुना है लड़का अच्छा है। आपको तो सब खबर मिल जाती है। ऋषि ने कहा है रितु डिसाइड करेगी, है ना? हेलो। हेलो। हाँ बोलो। डिनर हो गया? अभी नहीं, तुमने कर लिया क्या? हाँ बस अभी अपने कमरे में आई हूँ। अप्पू टीवी का वॉल्यूम कम करो। पापा कहाँ है? अपने रूम में है, बुलाऊं क्या? नहीं रहने दो। अनु भाभी कहाँ है? वो अभी बाथरूम में। और अप्पू? यही बैठा टीवी देख रहा है। पढ़ाई नहीं करता? हाँ पढ़ाई करता है, जरा सा पढ़ लेता है फिर कहता है 10 मिनट का ब्रेक चाहिए। कोई आया है, मैं अभी कॉल करता हूँ। ठीक है, बाय। यस, बोलिए।
मिस एंटनी, तुम मुझे जानते हो पर इतना भी नहीं। हेलो ऋषि, क्या हुआ है? कौन है ये सब लोग? पापा आपके साथ अंदर जाइए। चलो बेटा चलो अंदर चलो। लोइस, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? कुछ दिन पहले ही मैंने तुम्हारा नाम पहली बार सुना। ऋषि राम, एक कुंग फू मास्टर केरल से, जो जानकारी जुटा रहा है मेरे बारे में। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद आकर ही तुम्हें सारी जानकारी दे दूं। क्या हम कहीं और चलकर बात कर लें? ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम जहां कहो चलने को तैयार हो, प्लीज अभी रुक जाओ, प्लीज। तुम क्यों चाहते हो कि हम कहीं और चलकर बात करें? चलो एक सौदा करते हैं, देखते हैं तुम बेहतर हो या मैं, क्योंकि तुम एक अच्छे फाइटर हो। तो बॉयज, आज तुम्हें साबित करना होगा। देखते हैं इसमें कितना दम है। ऋषि, क्यों मार रहे हो तुम सब मेरे बेटे को? यहां से निकल जाओ वरना मैं तुम सबको मार डालूंगा। नहीं पापा। Thank you.
रितु हमारे घर में थी, वो हमारे साथ आई है। ये तो बहुत बुरा हुआ है ना मास्टर। हाँ बहुत बुरा हुआ, ऐसी बातें हमने पेपर में ही पढ़ी थी बस। क्या ऋषि की बीवी, बच्चा और पिता सब मारे गए? हाँ तीनों के तीनों। ऋषि की बीवी तो प्रेग्नेंट थी ना? हाँ सातवां महीना था। बहुत ही भयानक है। कुछ पता चला किसने किया ये? किसी को नहीं पता किसने किया है, पुलिस जांच कर रही है। जय हिंद सर। जय हिंद अभिजीत, जांच कहां तक पहुंची? यस सर, आई एम कमिंग फ्रॉम द क्राइम सीन राइट नाउ। देयर वाज अ मैसेकर देयर सर। मतलब? थ्री फेटल कैजुअल्टीज, मेल 61, फीमेल 7 मंथ्स प्रेग्नेंट एज 30 एंड मेल चाइल्ड 10 इयर्स ओल्ड। तीनों? यस सर। देयर वाज अनदर कैजुअल्टी, मेल 36, ही इज इन द ओटी राइट नाउ। फॉरेंसिक? द फॉरेंसिक टीम इज ऑलरेडी देयर सर, दे हैव कलेक्टेड ऑल द साइंटिफिक एविडेंसेस। और फोटोग्राफ? The crime scene has been photographed, sir. As of now, prima facie, it seems to be a robbery gone wrong. अब आगे का प्लान क्या है? We'll round up all the history sheeters with similar MO, sir. और गवाहों के बयान? Sir, I have informed the doctor that as soon as the male victim becomes conscious, I should be the first one to be informed. Anything else from your side, sir? कुछ नहीं, बस मुझे अपडेट करते रहना। जय हिंद सर। सर में फ्रैक्चर और दिमाग में नस फटने की वजह से हमें सर्जरी करनी पड़ी, और रही बात रिकवरी की तो इसके सर के पिछले भाग में बहुत ही गंभीर चोट लगी है, इसीलिए इसकी हालत अभी भी सीरियस है। अभी तक एक बार भी होश नहीं आया। 48 घंटे बीत चुके हैं लेकिन अभी तक होश नहीं आया, तो समय लग सकता है। कैसे हैं आप? तुमसे मिलने के बाद ही हम दोनों काम के सिलसिले में बाहर चले गए थे, कल रात को वापस आए हैं, तभी आने में देर हो गई। कोई बात नहीं। अब क्या कहूँ मैं, बहुत ही बुरा हूँ। कुछ पता चला कि किसने किया? मुझे नहीं पता। तुम्हारे साथ यहाँ कोई है? गांव से मेरे अंकल आ गए हैं और भैया के दोस्त भी आ गए हैं। दवा लेने जा रही हो तुम? हाँ कुछ मेडिसिन लेने हैं। मेडिसिन में लेकर आता हूँ। नहीं मैं ले लूंगी। नहीं कोई बात नहीं, मैं ले आऊंगा। No, it's okay. अगर तुम चाहो तो हम यहाँ रुक सकते हैं। नहीं उसकी जरूरत नहीं है, बाकी सब लोग यहाँ हैं। पूछने के लिए आपका थैंक्स अंकल। आपको घर जाना चाहिए और आंटी की देखभाल करनी चाहिए।
ऐसे कैसे चला जाऊं? उसे होश तो आने दो, बाद में जाऊंगा। कोई बात नहीं अंकल, हमारे तमाम दोस्त हैं ना यहाँ। पर तुम यहाँ अकेली हो बेटी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था ऐसा होगा। मेरी मानो तो घर वापस आ जाओ। ठीक है, हम सोचेंगे। आपको घर जाना चाहिए अंकल, आप इतने दिनों से यहाँ हैं। चलो इधर आओ, खड़े हो जाओ सब। देखो ऋषि, इनमें से कोई है? ऋषि, कैन यू रिकॉग्नाइज देम? लुक एट देम, कैन यू रिकॉलेक्ट एनीथिंग? द होल पुलिस फोर्स इज विद यू, लुक केयरफुली। यू आर द ओनली विटनेस वी हैव ऋषि, एंड योर आइडेंटिफिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस। Can you identify them, Rishi? Try, Rishi. You can identify them. Come on, Rishi. We know one of them is involved in this. Sir, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा. Focus. See, look. मुझे कुछ याद नहीं. मैं नहीं पहचान पाऊंगा. ऐसा मत बोलो, Rishi. You have to try harder. तुम्हें वहाँ अकेला छोड़कर जाने में हमें अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन तुम्हारी जिद की वजह से हमें तुम्हारी बात माननी पड़ी। उस घर में बहुत बुरा हादसा हुआ है और ऋषि का उस जगह रहना उसके दिमाग पर खराब असर डाल सकता है, और तुम पर भी ऋतु। मैं समझती हूँ दीदी। मैं फिर एक बार कह रही हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करना, हम वहाँ आ जाएंगे। ठीक है, कुछ दिन के लिए हमारे यहाँ आकर रहो। कम से कम ऋषि के ठीक होने तक तो रह जाओ। कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मांग लेना, बिल्कुल मत हिचकिचाना। ठीक है? ओके, जरूरत पड़ी तो कॉल करूंगी। ठीक है दीदी, बाय। पापा!
अप्पू 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 कहाँ हो? अनु अनु कहाँ हो? डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पापा पापा ऋषि मेरे बच्चे अप्पू पापा पापा अनु ऋषि कहाँ हो? रितु रितु नवीन हाय। इधर कैसे? ऑफिस के काम से आए हो? नहीं, क्या तुम हॉस्पिटल से सीधा यहीं आई हो? नहीं, पहले हम तो घर गए थे। भैया के जो दोस्त और परिवार यहाँ है वो हमें जिद करके यहाँ ले आए। फोन बंद है क्या तुम्हारा? मैं आजकल फोन यूज नहीं करती। दरअसल मैं हॉस्पिटल में कुछ दिन तुम्हारे साथ रहना चाहता था। इट्स ओके, सब लोग तो थे वहाँ। मुझसे रहा नहीं गया इसलिए मैं आ गया। हरीश अंकल को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं एक्चुअली तुम्हारे घर गया था, वहाँ तुम्हारे पड़ोसी ने बताया कि तुम 4 महीने से यहाँ पर हो। उस दिन तुम्हारे घर पर इतनी बातचीत हुई लेकिन उसके बाद भी हम दोनों किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पाए। मैंने दोबारा सोचा ही नहीं। मैं नहीं जानता कि मुझे तुम्हें यह बताना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। रहने दो, इंतजार मत करो। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, लेकिन मैं अभी इस बारे में सोचना नहीं चाहती। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, मैं भी नहीं चाहता कि तुम जल्दबाजी में कोई फैसला लो। नवीन, तुम्हें और अच्छी लड़की मिल जाएगी। मैं तुम्हें घर पर इनवाइट नहीं कर सकती क्योंकि अगर भैया ने देखा तो वो परेशान हो सकते हैं, और मैं ये नहीं चाहती। अब मैं अपने भाई के साथ ही रहूंगी। आई एम सॉरी। Thank you.
Ready? Set the time. Start. Come on. Chalo. Artis, bhago. Bhagule, Artis. Yes, punch. Artis, yes, give them back. Yes, fast. Very good. Artis, punch. Fast. Okay, get now. Open, punch. Thank you.
क्यों बे चूहे की औलादो, बचकर कहां तक भागोगे? आओ लड़ो मुझसे। मर्द पर मर्द, मार 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 मार। ना मर्द साले। चूहे, क्या सोचा था तूने? बच जाएगा, छुप जाएगा। मेरे लड़कों ने तुझे मना किया था ना मेरे इलाके में आकर बिजनेस नहीं करना। लुईस तेरी जान बख्श रहा है, भाग जा और लौट कर मत आना। अगर तुम लोग वापस आए तो जिंदा वापस नहीं जाओगे, कुत्ते की मौत मारे जाओगे, समझे? छोड़ दो भाई, मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगा। छोड़ दो भाई, मैं दोबारा वापस नहीं आऊंगा। साले भाग। चलो से आपको फोन मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो भाई? आज हमने भाग्यराज और उसके गैंग की खूब पिटाई की है, अगर वो वापस लौट कर आए तो जिंदा लौट कर नहीं जाएंगे। अभी आप कहाँ हो? मैं इस वक्त बीटल हाउस में हूँ, मैं यहाँ आपका इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है भाई, रखता हूं।
अरे ये तो वही है ना। मैं वही सोच रहा था। तू अभी तक मरा नहीं, जिंदा है। तू कैसे भगा रहा था? कुछ बोलता क्यों नहीं तू? Thank you.
आज भेज देना जरूर, मैं उनका वेट करूंगा। एक मिनट होल्ड पर रखना, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। भैया आज का न्यूज़पेपर आ गया? जी आज का न्यूज़पेपर आ रखा है, आप देख लो आपको कौन सा न्यूज़पेपर चाहिए। और बताइए मैडम और क्या चाहिए? एक चाय पत्ती। एक चाय पत्ती जी। एक चाय पत्ती और बताइए। और 6 अंडे। 6 अंडे और एक दूध का पैकेट भी। एक दूध का पैकेट, 6 अंडे। लो जी आपका सामान और ये 2 न्यूज़पेपर जी। कितना हुआ? आपका पेमेंट हो गया है 150 रुपए। थैंक यू। थैंक यू। लो मैडम जी आपके पैसे रिटर्न। ये आपके पैसे। सॉरी। थैंक यू। ओके। कौन हो तुम लोग? आँख में क्या हुआ? देखो हम इन लोगों को तलाश कर रहे हैं, तुमने देखा है कहीं? नहीं सर, हमने नहीं देखा। ध्यान से देखो। नहीं सर, नहीं पेज पर है। सर आप केरल के किस जिले में रहते हैं? कोट्टयम। और मेरे पिता एत्तमन्नूर से। जब मैं छोटा था तभी यहाँ आ गया था। मेरे पिताजी यहाँ पढ़ाते थे, अब वो रिटायर्ड हैं। आप भी मलयाली हैं क्या सर? मैंने कैलिकट NIT से इंजीनियरिंग की थी, तभी 4-5 साल वहाँ रहा था। अच्छा। और मेरे बहुत से IPS बैचमेट्स भी मलयाली ही हैं। ओके। आप मार्शल आर्ट्स टीचर हैं है ना? जी। कौन सा मार्शल आर्ट सिखाते हैं? सर विंग चुन मार्शल आर्ट, शायद आपने सुना होगा। विंग चुन, वही जो ब्रूस ली और इपमैन करते थे? हाँ, ब्रूस ली ने सबसे पहले विंग चुन मार्शल आर्ट सीखा था। ब्रूस ली के मास्टर इपमैन थे। ये कुंग-फू का फॉर्म नहीं है? नहीं सर, ये कुंग-फू से थोड़ा सा अलग है। ओके, हम एक सीरियस केस पर काम कर रहे हैं। ओके। वेदा ने कहा कि आपसे हमें कुछ मदद मिल सकती है, तो बिल्कुल सर, ये 2 महीने पहले हुआ था। देहरादून मलयाली एसोसिएशन ने मिक्स मार्शल आर्ट की एक वर्कशॉप अरेंज की थी ऋषिकेश में। रे, गुड मॉर्निंग ऑल। आज आपकी इस क्लास के टीचर होंगे कुंग-फू में माहिर शिफू ऋषिराम और उनकी सगी बहन मिस ऋतुराम। मैं इन दोनों का इस स्टेज पर स्वागत करता हूं। रे, हाय, गुड आफ्टरनून, सीजा प्लीज। बाकी लोगों की तरह आप भी सोच रहे होंगे कि कुंग-फू शब्द चीनी मार्शल आर्ट को रिप्रेजेंट करता है। असल में चाइना में उनकी अपनी भाषा में किसी भी काम की लगातार प्रैक्टिस करके उस काम में महारत हासिल कर लेने को वो लोग कुंग-फू कहते हैं। जरूरी नहीं वो मार्शल आर्ट हो। चीनी मार्शल आर्ट कुंग-फू के बहुत सारे स्टाइल हैं, जैसे कि वुशू, विंग चुन, ताई ची, शाओलिन कुंग-फू और भी बहुत कुछ। हर स्टाइल की अपनी एक फिलॉसफी और प्रैक्टिस होती है। One.
3, 4, 5, catch and punch. क्या हुआ तुम्हें? खड़े क्यों हो? एक बार फिर, रेडी? 1, 2, 3. मैंने उन लड़कों में एक बात नोटिस की कि उनका तौर तरीका वो नहीं था जो एक मार्शल आर्ट स्टूडेंट्स का होना चाहिए था। कैंप की शुरुआत से ही उन लड़कों का बर्ताव दूसरे बच्चों से अलग और बहुत अजीब था। ऑर्गेनाइजर्स ने मेरे सामने एक बात रखी कि मैं ये मामला बातचीत से सुलझा लूं, लेकिन मैंने मना कर दिया और कैंप जारी रखा। विंग चुन मार्शल आर्ट्स निंगमाई नाम की एक महिला ने इन्वेंट किया। विंग चुन की खूबी है कि वो सॉफ्ट एनर्जी को हार्ड एनर्जी के खिलाफ इस्तेमाल करके उसकी ताकत को पलटता है और उसका सामना करता है। हमने इसे प्रैक्टिस करने के लिए कैंप स्टूडेंट्स की मदद की। और फिर एक दिन, तुम्हारा नाम? मैरिन। और तुम्हारा? टेला। प्लीज आइए। लड़कों में से कोई यहां आ सकता है? ओके, टेक पोजीशन। तुम ठीक हो? आर यू ओके? ओके। गर्दन घुमाने की कोशिश करो, अब ठीक है? कभी कभी लड़ाई के दौरान फाइटर्स आक्रामक तरीके अपनाते हैं, लेकिन एक फाइट टेक्निक दिखाते और सिखाते वक्त रवैया अलग होना चाहिए। जब दुश्मन जोर आजमाए तो तुम्हें उसे पहले ही परख लेना। लेकिन वो लड़का कुछ अलग था। उसकी आंखों में मुझे आपराधिक मानसिकता साफ साफ दिखाई दे रही थी। ओ, फिर क्या हुआ? हमने उनके रवैये को नजरअंदाज किया, लेकिन उन लड़कों के व्यवहार से ऑर्गेनाइजर्स बिल्कुल खुश नहीं थे और उनसे सवाल किए, लेकिन वो लड़के उनकी बात सुनने को राजी ही नहीं थे। वो वहां से हंगामा करके निकल गए। और सर, फिर एक हफ्ते बाद जब मैं घर पे टीवी देख रहा था, आज की ताजा खबर, एक बार फिर लुइस एंटनी और उसके सभी साथी कानून की नजर में धूल झोंकने में कामयाब हो गए। सरकारी वकील लुइस एंटनी और उसके साथियों को सजा दिलाने में असफल रहे। मुझे एहसास तो था कि कैंप के कुछ स्टूडेंट्स बदमाश और आवारा हो सकते हैं, लेकिन वो तो मेरे अंदाज से भी ऊपर निकले। मुझे ये सोचकर ही घबराहट हो गई। और तभी वेदा सर ने मुझसे इस मामले में बातचीत की, इसीलिए लगा कि मुझे आपसे मिलना चाहिए। ये उनका लीडर है। ये बहुत ही खतरनाक अपराधी है। इसकी क्राइम हिस्ट्री बहुत लंबी है। इसका गैंग बाकियों से अलग इसलिए है क्योंकि इसके गैंग मेंबर्स मार्शल आर्ट्स में माहिर हैं, और उनमें से कुछ केरल से हैं। हमें नहीं पता कि वो उन्हें सिखाता है या सीखे हुए मार्शल आर्टिस्ट की भर्ती करता है। आप लोगों से मुझे ये समझना है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों को पहचानने का आप लोगों का क्या तरीका है। पुलिस का अपना तरीका है, लेकिन हम लोग इन्वेस्टिगेशन के अंत में उन्हें सिर्फ वार्निंग दे सकते हैं। क्या आप कुछ जानकारी देंगे? जी बिल्कुल सर, ये तो भलाई का काम है। जितनी भी जानकारी मिलती है मैं आपको ला कर दूंगा। पूरी कोशिश करूंगा। कैंप में हंगामा करने वाले वो लड़के याद हैं आपको? आप उनकी जानकारी मुझे दे सकते हैं क्या? अच्छा, वो लड़के ना, उनकी जानकारी हमारे सिस्टम में होगी, जरा चेक कीजिए। मास्टर, आपको याद नहीं, उन्होंने ऑनलाइन एंट्री से रजिस्टर नहीं किया था। अच्छा। हमने कैंप की सुबह कुछ ओपन एंट्रीज वालों को भी शामिल किया था, वो इसी तरह वहां आए थे। क्या हुआ मास्टर? सर, मैंने इस केस की बहुत गहराई से जांच की है। इसकी बहुत सारी जानकारी मुझे दिल्ली और केरल की एसोसिएशन से मिली है। हो सकता है कि ये पहले से ही पुलिस की केस हिस्ट्री में दर्ज हो, शायद आप जानते भी हो। फिर भी मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा। ओके, गो अहेड।
ये लुईस एंथनी है। 1999 में दिल्ली में हुई नेशनल कराटे चैंपियनशिप में ये अंडर 16 कैटेगरी में विजेता था। ओह, सो इज अ नेशनल कराटे चैंपियन। यस सर, वो बहुत ही गुस्सैल खिलाड़ी था। ड्रग्स और क्रिमिनल एक्टिविटीज की वजह से उसकी जिंदगी एकदम बदल गई। उसने कई टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया और हर बार उसे झगड़ते हुए देखा गया, ऐसा एसोसिएशन वालों ने मुझे बताया। उसने हिस्सा लेने वाले बहुत से खिलाड़ियों और जजों के साथ भी मारपीट की थी। उसने पागलों की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया था, जिससे उसके आसपास दहशत फैलती गई। हो सकता है इसी तरह उसे अपने जैसे और क्रिमिनल व्यवहार वाले फाइटर्स मिल गए हों। सर, मैंने उसके कुछ साथियों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की है। सर, ये नासिर अली है, मल्लापुरम का रहने वाला है, जो केरल में है। क्योकुशिन कराटे और मुई थाई का ये बहुत ही अच्छा फाइटर है। उसने कई टूर्नामेंट्स जीते थे। बहुत सारे पुलिस केस होने की वजह से एसोसिएशन ने इसे बैन कर दिया। सर, एक टूर्नामेंट में तो उसने एक रेफरी पर भी हमला कर दिया था। आजकल वो लुईस के साथ है। सर, ये है हिमांशु सिंह, उत्तर प्रदेश का रहने वाला। मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली, पर सुना है ये फाइटर बहुत ही बेहतरीन है। और ये जेंसन है सर, मैंने आपको कैंप में तीन लड़कों के बारे में बताया था, ये उनमें से एक है। इस छोटी सी उम्र में इस पर बहुत सारे केस हैं, उनमें से कुछ अटेम्प्ट टू मर्डर भी हैं। अब ये लुईस का दायां हाथ है और ये एक जूडो प्लेयर है, लुईस के गैंग का सबसे खतरनाक आदमी। सर, ये सेंथिल है, कन्याकुमारी से, ये भी एक कुंग फू प्लेयर है। टार्सन जॉबी, रुद्रा, पापा जरा ध्यान से। वो रहा हमारा घर। अरे वाह, बहुत ही शानदार जगह है। बहुत ही बढ़िया है। तुमने सारे पेपर्स चेक कर लिए ना बेटा? सारे पेपर ठीक है पापा। खूबसूरत नजारा है ना? अरे अब्बू, अरे ध्यान से बेटा, धीरे धीरे चलो, अरे संभल के। अब्बू, उन्हें तोड़ना मत, खट्टे हो सकते हैं। जी, क्या यहाँ सिर्फ सेब हैं? ज्यादातर सेब हैं और कुछ एप्रिकॉट। एप्रिकॉट वहाँ है, कम कुछ दिन यहाँ रुकते हैं ना। तुम्हें स्कूल नहीं जाना है क्या अब्बू? हम यहाँ छुट्टियों में आएंगे। हाँ, मुझे स्नोफॉल भी देखना है। हम दिसंबर जनवरी में आएंगे, जब यहाँ स्नोफॉल होता है। हमें भी आना है। अरे सब आएंगे। अभिजीत राणा, कमिश्नर। एएनआई से दीपक, पीटर लाउ सत्याकांड पर कोई खबर? यस, यू हर्ड इट राइट, द इन्वेस्टिगेशंस आर अंडरवे एंड आई कांट डाइवल्ज एनी इंफॉर्मेशन राइट नाउ। और विक्टिम्स? आई कैन टेल यू दैट देयर आर फोर विक्टिम्स, ऑल फोर फेटल। द किलिंग सीम्स टू बी गैंग राइवलरी। सर, किसी पर कोई शक? नो, एज ऑफ नाउ वी कैन नॉट डाइवल्ज एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन। ठीक है सर, हम इसी तरह रिपोर्ट कर देते हैं। थैंक यू। अखबार वालों ने सिर्फ इतना लिखा है, चार क्रिमिनल्स मारे गए, हत्याकांड गैंग वॉर हो सकता है, मरने वाले लुईस गैंग के हैं। किस गैंग ने इनको मारा? एक हफ्ता हो गया है, तुम सब सारे के सारे निकम्मे हो, आज तक कुछ भी पता नहीं कर पाए। किसकी हिम्मत हुई लुईस के आदमियों को मारने की?
कौन है ये छुपा रुस्तम, गैंग या पुलिस, कहां छुपे हैं वो?
Veda, Lewis gang, 8 killed in 2 weeks. I think I might know who the wounded hunter is. And he is not going to stop until he finds his last prey. नाम तो याद ही होगा ना लुईस। तुम्हारी आवाज सुनकर अच्छा लगा। हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। पुरानी बातें याद दिलाना अच्छा लगता है, क्योंकि तुम भूलने लगे हो। मुझे यकीन है तुमने सुन ही लिया होगा कि मैं तुम्हें बीटल हाउस और लंबी दहर में ढूंढ रहा था। मुझे खोजने के लिए इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हो? परेशान मत हो, अगर तुमने मुझे बताया होता कि तुम कहाँ हो तो मैं ही आ गया होता। इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूं।
अपनी खैरियत समझो कि हमारा आमना सामना नहीं हुआ। खोज सको तो खोज लो मुझे, मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। मुझे बच्चों से बहुत प्यार है। हेलो सॉरी, खाना खाते वक्त मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया है। ये ऋषिराम कहाँ है? कहाँ है वो, क्या आप मुझे बता सकते हैं? आप जानते हैं उसे है ना? चप्पा छान मारो, उधर देखो, ठीक है, छोड़ना नहीं आज। तुम लोग सब वहां पर नीचे आ चुके हैं, पीछे की तरफ चलो। निकल मार। ए, तू इधर आ, दरवाजा खोल। छोड़ेंगे नहीं। दादाजी, हम कौन से टावर पर उतरेंगे? 10th टावर, सबसे ऊपर। और पता है, यहाँ पर स्वर्ग का संगीत सुनाई देता है। 10th टावर, जहाँ स्वर्ग का संगीत सुनाई देता है। तू तो गया साले।
Hey, Kung Fu Master. मुझे तेरा स्टाइल अच्छा लगा, जिस तरह से तूने इन्हें गिराया है। बदले का स्टाइल, बर्फ से लदी हिमालय की गोद में मौत का मधुर संगीत। वाह, कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी इतनी सुंदर बहन भी है। ये तो प्यार ने दस्तक दे दी, अब होगा नफरत से प्यार, नरक वाला प्यार। बस जल्दी हम तुम्हें वहीं भेजने वाले हैं। ओ, कितना अच्छा बोलती है ये। अब बताओ मास्टर, आगे क्या? तूने मेरे लोगों को मारा, कोई बात नहीं, खेल में अक्सर ऐसा होता रहता है। तू मेरे पीछे आया, मैंने तेरे परिवार को मारा, फिर तूने मेरे लोगों को मारा।
अब मेरी बारी है, अब बारी मेरी है। मेरी बारी अभी खत्म नहीं हुई। मार दो इसे। मार, छोटू मार। No!
स्वर्ग के संगीत में स्वागत है। Ugh!